सो रुचा, आप कहते हैं ना कि रसोड़े में आपके होने की क्या बात हुई कि सीजन टू ने दस्तक मार दी। हाँ, इमीडिएटली देखा मैंने। क्या कहना चाहेंगी जब इस तरह की चीजें होती है? मुझे लगता है बहुत कम बार या बहुत कम समय ऐसा होता है कि मतलब आपकी चर्चा हो और आपका सीजन टू आ जाए। या एब्सोल्युटली, आई थिंक द टाइमिंग वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग आई बिलीव। चलिए, क्या कहना चाहेंगी कि 4.5 साल जिस किरदार को आपने जिया, अचानक से कुछ सालों बाद वो बच्चे बच्चे की जुबान पर आने लगता है, तो वो फीलिंग और वो मोमेंट कैसा था? आई थिंक साथिया और राशि का, मतलब मेरा जो किरदार था, तो आई थिंक हमारे लिए साथिया इतने साल चला स्टार प्लस पे, उसके बाद स्टार उत्सव पे 2 बार उसका रीरन हुआ, उसके बाद वापस अभी ये क्वारंटीन के वजह से लॉकडाउन में वापस स्टार प्लस ने साथिया स्टार प्लस पे वापस ले आए। तो ऑफकोर्स यू नो हमारे लिए, मतलब लोगों ने कभी साथिया देखना कभी बंद ही नहीं किया था, मतलब सो दैट वॉज अ वेरी वेरी नाइस थिंग फॉर अस ऑल्सो, बिकॉज लोग हमेशा, मतलब नए ऑडियंस हमेशा जुड़ जाता था विद द शो, तो आई थिंक वो प्यार हमें हमेशा ही मिला है लोगों से। एंड अभी ये, मतलब वापस ये एक जो क्लिप वापस एक वायरल हो गई, और यू नो हमारे किरदार वापस लोगों को, और मतलब नए आई थिंक जो नॉन टीवी व्यूअर्स थे उन लोगों तक भी पहुंच गए, सो आई थिंक इट इज वेरी वेरी क्यूट ऑल्सो टू सी दिस। आपको जब ये पता चला, और आपका, आपसे ज्यादा आपकी फैमिली का कैसे रिएक्शन था जब ये वीडियो वायरल हुआ या ट्रेंड पर हुआ तो? नहीं, एक्चुअली मुझे मेरे भाई ने ये भेजा था, एंड मैंने तो ऐसे देख के रख दिया था कि हाँ ठीक है कुछ तो होगा, बट जब देन ही टोल्ड मी कि अरे नहीं ये बहुत ही कुछ ट्विटर पे बहुत ही ज्यादा ट्रेंड हो रहा है, तो आई वॉज लाइक ओके ठीक है क्या है देखते हैं करके, और फिर मैंने देखा था, आई एम लाइक ओके ठीक है ये यू नो हमारा एक कोई क्लिप लिया है और उसे ऐसे मैशअप और रैप करके एक न्यू तरीके से प्रेजेंट किया है, सो इट वाज इंटरेस्टिंग एक्चुअली, वेरी वियर्ड टू सी, बिकॉज हमारे लिए एक्चुअली ये नया नहीं है, मतलब साथिया का कोई ना कोई ऐसे कुछ ना कुछ एपिसोड या हमारा कुछ ना कुछ ऐसा ट्रैक हमेशा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सम इन सम मीडिया में पॉपुलर हुआ है, यू नो हमारे एपिसोड वायरल हो जाते थे या हमारे ऐसे कुछ फैक्ट जो बहुत फनी थे तो वो भी वायरल हुए थे, तो मतलब ये हमारे लिए नया नहीं था, जाए था क्या ठीक है उसी में से ऐसे एक वापस चल रहा है, बिकॉज इंटरनेशनली भी साथिया बहुत ज्यादा अभी पॉपुलर है, यू नो बिकॉज आई थिंक टर्की में, इंडोनेशिया में, जॉर्जिया, देयर आर सो मेनी फैंस फ्रॉम ऑल दीज डिफरेंट कंट्रीज जो अभी नए यू नो जुड़ गए हैं साथिया के साथ, तो फायदा कि चलो ठीक है उसी में से कोई एक होगा, लेकिन ये इंडिया में वापस बहुत ही ज्यादा वायरल हो गया है। चलिए, फैंस को तो ये पहले से ही पता था कि रसोड़े में कौन था, लेकिन अब उनके मन में ये सवाल है कि जो सीजन टू आ रहा है साथिया का, उसमें राशि यानी रुचा होंगी? वेल आई डोंट नो, बट अभी के लिए तो मतलब मैं यही कहूंगी कि मतलब ऑनेस्टली मेरी बच्ची अभी छोटी है, तो फुल फ्लेज्ड ड्रामा डेली सोप करने में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज आई हैव डन दैट, सो आई वांट टू पिक अप अ कैरेक्टर व्हिच इज लिटिल डिफरेंट व्हिच इज इंटरेस्टिंग, बट ये कहने के बाद भी आई बिलीव दैट साथिया विल ऑलवेज बी स्पेशल फॉर मी, साथिया हो या राशि हो, सो ये दोनों ही किरदार मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होंगे, सो आई डोंट नो यू नो, बट आई डोंट नो, आई थिंक बट आपको नहीं लगता कि ये एकदम सही मौका है आपको वापस सीरियल की दुनिया में कदम वापसी करने का? नो आई डोंट नो, आई डोंट बिलीव इन दैट, आई ऑलवेज बिलीव कि सी फॉर मी, मेरे लिए मैंने जब एक्टिंग शुरू की थी तब ये मेरा सिर्फ एक पैशन था, ये मेरा करियर नहीं था, तो अभी भी मतलब अगर मैं वापस आऊंगी तो इट हैज टू बी विद अ कैरेक्टर, बहुत अच्छा लगे मुझे, लगे कि बाबा ओके ये कुछ अलग है जो मैंने पहले नहीं किया है, और एंड आई वांट द कंटेंट टू बी लिटिल इंटरेस्टिंग, बिकॉज मैंने अभी फैमिली ड्रामा कर लिया है, तो अभी प्रोवाइडेड देयर इज सम वेरी वेरी नाइस कैरेक्टर एंड आई फील कि नहीं यार ये तो करना ही है, यू नो, तब तक आई डोंट थिंक देयर इज एनी कमबैक स्टोरी, बट फैंस जो इतनी डिमांड कर रहे हैं तो तो क्या समझा जाए कि कहीं ना कहीं काग झलक राशि की दिख जाए? आई डोंट नो, आई डोंट रियली नो, अभी के लिए तो कहना बहुत ही डिफिकल्ट है, बट देन अगेन आई बिलीव नेवर से नेवर, अगर कोई सच्ची किरदार आए या यू नो बिकॉज साथिया 2 के लिए तो आई हैव नॉट बीन अप्रोच्ड, सो आई हैव नो आइडिया कि क्या स्टोरी लाइन है क्या है,
बट यू नेवर नो, आई थिंक कोई किरदार जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगे तो व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स आई वुड लव टू कम बैक। चलिए सीजन टू के लिए फैंस एक्साइटेड हैं, जो भी को स्टार हैं या आपके जो साथी कलाकार थे वो भी बहुत एक्साइटेड हैं, आप कितने एक्साइटेड हैं उसको वापस सीजन टू देखने के लिए? Oh, I'm very excited for my friends, of course, because Dee is doing Gopi again, of course. Yeah. So, matlab, of course, Naz ke liye, Dee ke liye, I'm very, very excited to see, because it's always nice, you know. Matlab, Satya and ye characters hamare liye, matlab, we as a team has been like a family, you know. So, and hum log abhi bhi utne hi achhe touch mein hai. We are all in contact. So, I'm very excited to see the new show and the new tracks that will come in. It'll be fun. Serial में जब आपका you know साथिया में जब आप आई थी start में तो मतलब आपका जो एक shade था वो थोड़ा negative था, मतलब negative in the sense कि अपनी बहन के लिए, but जब आपका last scene shoot हुआ उस समय fans आपसे काफी attached हो क्योंकि आपने अपनी बहन के लिए अपनी जान दे दी थी, वो moment के लिए आपको लोगों ने किस तरह से याद किया, कैसे phone आया, कैसे comment किया था, कुछ आज कहना चाहेंगे? Well, आज because I'm talking to you, so मुझे आज पता है कि मतलब because मेरे fans नहीं मतलब सारे रोज everyday भेजते रहते हैं, तो आज I think is probably going to be my death sequence on Star Plus. So आज वो शायद खत्म होने वाला है. Yeah. So that's how I know. Yeah. So I think it's been lovely. I think the characters also were just so different, you know, even when we decided to do the show. कि मतलब I think Star Plus पे भी actually पहली बार ऐसे हुआ था कि there were two lead girls out of which one was going to play a grey shade and one was going to play like a positive shade. And you know, and मतलब वो जो chemistry थी राशि गोपी की was so beautifully written, I believe कि हमारे writers ने मतलब बहुत ही अमेजिंग तरीके से वो लिखा मतलब था, नफरत मतलब नहीं करती थी बहन से बट खुशियां छीन लेती थी. मतलब वो हम कहते भी थे कि मतलब द कैरेक्टर्स आर लाइक टॉम एंड जेरी, मतलब एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते और मतलब एक दूसरे के साथ भी इतना नहीं रहना है, मतलब वो आई थिंक राशि गोपी का उन्होंने लिखा भी वैसे ही था वो ही लेके कि मतलब मैं उसको कितना भी तंग करूं क्योंकि वो मेरी बहन है, लेकिन कोई और अगर तीसरा कोई आ रहा है बीच में तो फिर उसकी खैर नहीं, उसको हाथ नहीं लगाने मिलेगा. इट वाज जस्ट लाइक दैट, वाज वेरी वेरी क्यूट. चलिए इतना समय लिया है रुचि ने अभी, चूंकि फैमिली आपने बताया बच्ची छोटी है, बट अभी किस तरह का प्लान है आपका इन फ्यूचर, क्या कुछ करना है? वेल फिलहाल के लिए तो आई हैव बीन वर्किंग ऑन अ बिजनेस आइडिया. एक्चुअली मेरी बच्ची बॉर्न होने के पहले ओनली आई वांटेड टू लॉन्च और लाइक यू नो स्टार्ट विद समथिंग, बट देन ऑफ कोर्स आई बिलीव कि हर फेज को पूरी तरीके से जीना है, यू नो यू हैव टू एंजॉय. आई वांटेड टू स्पेंड एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ माय टाइम विथ माय डॉटर जब तक वो थोड़ी बड़ी ना हो जाए, यू नो, बिकॉज आई थिंक ये मोमेंट बहुत ही ज्यादा स्पेशल है. तो मतलब मुझे अभी भी नहीं पता कि मतलब मैं कैसे उसको छोड़ के वापस ऐसे फुल फ्लेज्ड 24 आवर काइंड ऑफ काम कब कर पाऊंगी या कैसे कर पाऊंगी, बट अगेन आई बिलीव दैट वी कैन ऑलवेज बैलेंस वर्क एंड फैमिली लाइफ. सो अभी आई थिंक शी इज लाइक नाउ 10 months old, सो धीरे धीरे अभी वो थोड़ी बड़ी हो गई है, अभी वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट भी हो रही है, यू नो, सो यू नेवर नो. आई थिंक वापस सीरियल्स वगैरह करना, लाइक आई सेड कि कोई कैरेक्टर बहुत ही अच्छा लगे तो ही, बट वरना तब तक के लिए तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर माई बिजनेस वेंचर जो सून आई विल प्रोबेबली लॉन्च सून, एंड सो उसी में फिलहाल तो मैं बिजी हूँ. अपने फैन से क्या कहना चाहेंगे जो बेहद एक्साइटेड है हर रोज कुछ ना कुछ कहते रहते हैं? आई नो, वेल आई हैव टू टेल देम दैट आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट आई हैव देम इन माय लाइफ, बिकॉज मेरे फैंस इतने इतने ज्यादा अच्छे हैं और इतने सपोर्टिव और हमेशा इतना प्यार देते हैं, सो ऑफकोर्स आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू हैव देम इन माई लाइफ, एंड होपफुली मैं उन्हें कोई किरदार में वापस नजर आऊंगी दैट विल मेक देम हैप्पी एंड आई विल बी एबल टू एंटरटेन देम इन सम वे और द अदर. थैंक यू सो मच, हमसे बात करेंगे. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.